गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मिशन शिक्षक संवाद की इस वीडियो के द्वारा भिन्नों की अवधारणा एक गतिविधि के द्वारा सीखेंगे। लोगों को पहले ही बता चुके हैं, है ना? सब समझ गए होंगे भिन्न क्या है। अब देखो इसमें हमारे कितने वृत्त दिखाई दे रहे हैं आपको? चार वृत्त दिखाई दे रहे हैं। हमने देखो चारों के भाग किए हैं, कुछ चारों वृत्तों के हमने क्या कर रहे हैं? तो पहला जो वृत्त है इसका पूरा कितना भाग है? एक भाग। दूसरे वृत्त के हमने कितने भाग करे? दो। यानी हमने आधा आधा भाग कर दिया। दूसरे वृत्त के कितने कर दिए? आधा। एक बटा दो ये और एक बटा दो ये। अब तीसरे वृत्त के हमने कितने भाग कर दिए? तीन। कितने कितने भाग? हाँ बेटा, कितने भाग कर रहे हो तुम लोग? दो भाग कर लिए। सही है, अलग अलग कलर में दोनों लोग कलर करो। ठीक ठीक, तुम्हारा ग्रुप कितने भाग कर रहा है? चार। हो गए चार भाग। ठीक हाँ ठीक, और इन चारों में अपने अलग अलग कलर करना। ठीक, काटो आराम से। हाँ तो आप लोगों के तीन ग्रुप बन गए, तीनों कलर कर रहे हैं। ठीक, अच्छे से कलर करो तीनों लोग। हाँ आप लोगों ने कितने भाग कर दिए? अच्छा दिखाओ, सब लोग अपने अपने भाग दिखाओ। ठीक दिखाओ, भाग दिखाओ अपने लड़कियां लोग, सब दिखाओ अपने अपने भाग। अरे वाह, देखो कितने अच्छे अच्छे रंग हैं। गुड। हाँ तुम चारों दिखाओ अपना भाग। ठीक बेटा, और ऐसे ऐसे करो इसे जो बचा हुआ। हाँ विवेक दिखाओ तीनों लोग अपना। ठीक बेटा करो, सही से करो और सही से करो। राम कुमार दिखाओ, ऊपर उठा के दिखाओ। ठीक करो। हमने एक व्रत को एक बटा एक भाग में बटा है, इसलिए एक बटा दो भाग होगा। सीधा करके दिखाओ। देखिए इनके पास क्या था? एक व्रत दिया था इन्हें पूरा, तो इन्होंने ये
अब एक एक ग्रुप के बच्चे अपने व्रत के भागों को यहाँ पे चिपकाएंगे। एक बटा चार भाग के चारों टुकड़े ये जोड़ दिए गए और देखिए जुड़ते ही ये फिर से एक व्रत की आकृति ले लिए हैं। इसी प्रकार एक बटा आठ के आठों भागों को मिला देने पर एक व्रत बन जाता है। अब देखिए एक बटा दो भाग के दोनों भागों को यहाँ पे मिला के चिपका मिला के चिपका दिया तो देखिए फिर इनको जब चिपकाएंगे तो फिर ये भी एक व्रत बन जाएंगे। और फिर देखिए एक बटक तीन के तीनों पार्ट्स को हम चिपकाएंगे। तीनों पार्ट के चिपकने पे ये भी एक व्रत बन जाएगा। इस प्रकार से आज हमने व्रत की अवधारणाएं सीखी। धन्यवाद।